शरद यादव का निधन हो गया और उनका अस्थि कलश आज पटना पहुंचने वाला है। पटना एयरपोर्ट पर पूरी तैयारी राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से किया गया है। बता दें आपको कि आज उनका अस्थि कलश पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेगा और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी दफ्तर में जो है उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा जो है उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उस अस्थि कलश को कई जगहों पर घुमाया जाएगा, अलग अलग जगहों पर जो सभ्य यात्रा निकाली जाएगी। कहा जाए कि कलश यात्रा को लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। वरिष्ठ समाजवादी नेता स्वर्गीय शरद यादव का अस्थि कलश शनिवार को पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा। शरद यादव के पुत्र शांतनु अस्थि कलश लेकर पटना पहुंचने वाले हैं और पटना एयरपोर्ट से आरजेडी प्रदेश कार्यालय के लिए अस्थि कलश लेकर हुएंगे रवाना। आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक, बिहार सरकार के मंत्री रामानंद यादव समेत कई मंत्री जो हैं आलोक कुमार मेहता पटना एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। आरजेडी कार्यालय में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव श्रद्धांजलि देंगे। बता दें आपको कि वरिष्ठ नेता जो शरद यादव का जब निधन हुआ और उस निधन के बाद जो है वहां पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे थे, लेकिन जब उनका अस्थि कलश बिहार आ रहा है, बिहार में कई जगहों पर इसका कार्यक्रम रखा गया है, कई जगहों पर उनका अस्थि कलश जो है वो ले जाया जाएगा और वहां पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और उससे पहले पार्टी का दफ्तर में भी, यानी कि आरजेडी के पार्टी दफ्तर में पूरी तैयारी की जा चुकी है। और साथ ही साथ हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट की है, जहाँ पर जो है सब यात्रा के लिए वाहन होकर लगकर तैयार है, फूल माले लगाए गए हैं और साथ ही साथ जो कहा जाए कि उसमें जिस तरीके से आरजेडी के जो सीनियर लीडर हैं, जो मंत्री हैं, वो पटना एयरपोर्ट पर उनके कलश का इंतज़ार कर रहे हैं। रामानंद यादव हों, आलोक कुमार मेहता हों, वरिष्ठ नेता श्याम रजक हों, ये तमाम लोग जो है वो पटना एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। और तस्वीरें हम आपको पटना एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं, जहाँ पर उनके सब यात्रा से पहले जो है वो पूरी तैयारी की जा चुकी है। अब से कुछ ही देर में जब वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, उसकी भी तस्वीरें हम आप तक लेकर हाजिर होंगे और साथ ही साथ आरजेडी कार्यालय में भी जो भी कार्यक्रम होगा वो हम आप तक पल पल अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है कि शरद यादव का जो कलश है, वो अस्थि कलश, वो पटना एयरपोर्ट पहुँचने वाला है और उसको लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। आरजेडी के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो वहाँ पर अस्थि कलश को लेने के लिए वहाँ पर उनके जो पुत्र शांतनु हैं वो पटना एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं उस कलश को लेकर। उसके बाद वहां से कई जिलों में जाने की जो बात है वो उनका कार्यक्रम लगा है और उसके बाद उस अस्थि कलश को जगह जगह पर बिहार में घुमाया जाएगा, जहां से समाजवादी नेता जो शरद यादव का जहां से ज़्यादा ताल्लुक रहा है उन जिलों में भी जो है वो अस्थि कलश जो है वो जाएगा। और जो अपडेट्स है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। पुणेश पुणेशन के साथ नमस्कार।